अस्सलाम वालेकुम। इब्तदाए रब्बे जुल जलाल के बबरकत नाम से देखती आंख और सुनते कानों को सरदार मुदस्सिर का सलाम। ये जी मेरा फर्स्ट व्लाग है यूट्यूब एंड फेसबुक पर। इस व्लाग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि व्लाग के लिए किन किन गैजेट्स की जरूरत होती है। नॉर्मल अगर आपके पास कोई अच्छा सा मोबाइल है जिसका कैमरा अच्छा है ना, तो आप व्लागिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं होती। मुझे दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी अपने बजट के हिसाब से। एक मुझे मोबाइल रिक्वायर्ड था, ये मेरे पास आईफोन का 12 Pro Max मोबाइल है। इसका कैमरा बहुत अच्छा है, मैंने चेक किया है। इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट जितने भी व्लॉग आएंगे ना, वो इस मोबाइल से रिकॉर्ड किए होंगे। और दूसरा मुझे एक गिम्बल की ज़रूरत थी। इस गिम्बल की ओपनिंग मैं आपके सामने करता हूँ कि भाई इस गिम्बल के कौन कौन से फीचर्स हैं, इसके साथ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये जी मैं इस गिम्बल को निकाल के, ये उसका नीचे जी स्टैंड होता है कि अब आप इसको रख के इसकी वीडियो वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्टैंड है, ये यहाँ से ओपन वगैरह भी हो जाता है, ठीक है। इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाता है मूवी वगैरह बनाने के लिए, कहीं स्टेबल रख के तस्वीर वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। ये ले जी, ये है हमारा गिम्बल, ठीक है। तो इसके स्टार्ट के लिए ये यहाँ से पहले इसे ओपन किया जाता है। जब तक ये पिन इसकी लगी हुई है, ये पिन जब तक यहाँ एडजस्ट नहीं होगी तो ये वर्क भी नहीं करेगा। तो हम भी जिसे ऐसे ऊपर करके ना से ऐसे ये पिन इसके साथ एडजस्ट हो जाएंगी तो फिर ये वर्क करेगी। ये इसके बटन है, ये लेफ्ट राइट अप डाउन के लिए, ये इसका फोटो कैप्चर करने के लिए, ठीक है। ये इसके मूड के बटन है, इसमें PF है, फिर L है, फिर F है, फिर POV मूड है, ठीक है। इनके मूड्स के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। और ये इस साइड पे जी WNT है कि वीडियो को जूम इन आउट करने के लिए। और इसका जो ये वाला बटन है, इसको इसके भी जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और ये बटन इसका पावर वाला बटन है, पावर ऑन ऑफ का बटन है। अब मैं आपको फिट करके ना दिखाता हूँ और फिर इसके यूज़ का तरीका भी बताता हूँ मैं आपको। ये जी हमारा गिम्बल रेडी हो गया और इसके अंदर हमारा मोबाइल भी फिट हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको इसके वर्क करने का तरीका बताता हूँ। ये इसके बैक पे एक पावर वाला बटन लगा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आप इसे सिर्फ जस्ट 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन होगा। जब ये ऑन होगा तो मोबाइल की पोजिशन भी थोड़ी सी चेंज करेगा। ये देखें, इसे ये ऑन करके छोड़ देना है, ठीक है। अब ये इसने मोबाइल की पोजिशन थोड़ी सी चेंज की है। इसकी बैक साइड पे ये जो बड़ा बटन है पावर के नीचे वाला, इसका काम जो है ना मोबाइल को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के अंदर करना है, ठीक है। जब हम इसे 3 मरतबा प्रेस करेंगे ना तो ये मोबाइल को ना लैंडस्केप में ले जाएगा। अब ये देखिए, 1 2 3, ये मोबाइल को लैंडस्केप में ले आया। अब इसे 3 मरतबा जब प्रेस करेंगे ना तो ये दोबारा वापस जो है ना अपने पोर्ट्रेट मोड में चला जाएगा। 1 2 3, ठीक है, ये पोर्ट्रेट मोड के अंदर आ गया। अब इसका जो ये मैं आपको सामने करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, ये जो इसका बटन है ना, ये लेफ्ट राइट अप डाउन वाला, ठीक है। इसका वर्क ये है कि आप इसे भाई इधर राइट पे करेंगे तो ये देखें, ये 360 डिग्री तक ना मूव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसे लेफ्ट पे करेंगे तो ये वापस अपनी हालत में आ जाएगा। ये नीचे करने से ये देखें, ये अप हो गया है, फिर ये डाउन हो गया है, ठीक है। ये इसके बटन वगैरह है। इसकी फिर इसके यूज करने के लिए एक एप्लीकेशन होती है इसकी, वो एप्लीकेशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उस एप्लीकेशन का नाम वगैरह, ठीक है, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाती है, उसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है। वहां से फिर वीडियो वगैरह प्ले भी कर सकते हैं, इसमें बना भी सकते हैं। इसका ये जो बटन है ना, ये वाला रेड बटन, ठीक है, ये इसका वीडियो को प्ले करने के लिए, पुश करने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तस्वीर वगैरह लेने के लिए ये इसका बटन वगैरह यूज होता है। तो आप इसको ना इस हालत में पकड़ सकते हैं, ठीक है। जब इसको ये देखें यहाँ से क्लोज करके इस हालत में पकड़ेंगे ना तो ये फ्री कंडीशन में है, ये PF मोड के अंदर है, ठीक है। तो अब आप इसको चेंज करके L मोड पे ले जाएंगे, ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन ये यही रहेगा। जिस जगह पे इसको स्टेबल करेंगे ना आप इसको, यहाँ ये देखें पोर्ट्रेट मोड पे, लैंडस्केप पे चला जाएगा जिस बटन से, और F मोड पे जाके ये फिर आज़ाद हो जाएगा। फिर ये इस तरह ले जाएंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे, मतलब सिनेमैटिक वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए ना ये यूज़ होता है, ठीक है। इसका फंक्शन तो भाई आपको ख़त्म हो गया है, तो अब मैं कुछ अपने रिलेटेड आपको बताता हूँ। चलें जी, इसका काम तो ख़त्म हो गया, ये तो हमारे साथ रहेगा जब तक व्लॉग वगैरह बनते रहेंगे, इसकी हेल्प लेते रहेंगे। मोबाइल भी इसके अंदर एडजस्ट हो जाता है, सारा कुछ फिट है इसका निज़ाम। तो आपको मैं अब अपने रिलेटेड कुछ बता दूँ। मेरा नाम सरदार मुदस्सिर है, ठीक है, साउथ पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो व्लॉगिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था काफ़ी अर्से थे कि भाई व्लॉग स्टार्ट करने हैं, बनाने हैं, किस तरह करने हैं, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, लोगों से इन्फॉर्मेशन ले। इतना बड़ा काम नहीं, अगर बंदा करना शुरू कर जाए ना तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो YouTube पे मेरा जो चैनल है वो सरदार मुदस्सिर के नाम से है, इसी तरह Facebook पे जो मेरा पेज है वो भी सरदार मुदस्सिर के नाम से है।
ये वीडियो जो इंशाल्लाह मैं आज पोस्ट कर दूंगा दोनों पे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो आप लोगों ने लाइक भी करने हैं, सब्सक्राइब भी करने हैं और शेयर भी करना है, ठीक है। इसके साथ मैं इजाजत चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।